युद्ध और तनाव चल रहे हैं, उनको सामने से देखने पर भले ही ऐसा लगे कि जिनके जिनके बीच युद्ध चल रहा है सिर्फ उनके बीच ही कोई विवाद है जिसको लेकर युद्ध हो रहा है, लेकिन इनके पीछे कई बड़े दिग्गज देशों का हाथ है। उनका मकसद खुद को पावर सेंटर बनाने और दिखाने का है। इन देशों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि पावर सेंटर बनने और जियोपॉलिटिक्स के चक्कर में कितने सैनिक मारे जाते हैं और विभिन्न देशों के कितने निर्दोष नागरिक, बच्चे और महिलाएं मारी जाती हैं। ये वो लोग हैं जिनका इन युद्धों से किसी के पावर सेंटर बनने या ना बनने से कोई लेना देना नहीं होता और ना ही कोई फायदा होता है, लेकिन फिर भी मारे जाते हैं। इन युद्धों का असली फायदा उन बड़े देशों और उनके नेताओं को मिलता है जो अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए पीछे से बैठकर युद्ध करा रहे होते हैं। उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन युद्ध को देखें तो इसमें हजारों सैनिक और निर्दोष लोग मारे गए, लेकिन युद्ध का फायदा मिलेगा तो अमेरिका या रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मिलेगा। यूक्रेन को कोई बड़ा फायदा नहीं मिलना है, बल्कि उसे जो फायदा मिलेगा भी उससे ज्यादा तो उसने तबाही झेल ली है। उसे जान और माल का जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में ही वर्षों लग जाएंगे। जो जाने चली गई उन्हें तो वैसे भी वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान हुआ है उसे दोबारा तैयार करने में भारी धन और समय बर्बाद होगा। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की लागत का हिसाब लगाते हुए बताया कि अब तक 3,15,000 से अधिक सैनिक मारे गए और घायल हुए। इसमें $211 बिलियन से अधिक खर्च हुआ। इसके अलावा जो नागरिक मारे गए और जो सैन्य हथियार बर्बाद हुए उनका हिसाब अलग है। कुछ महीने पहले ऑस्टिन ने यूक्रेन के समर्थन में हर महीने होने वाले देशों की एक बैठक से पहले कहा था कि रूस ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शाही सपनों के लिए भारी कीमत चुकाई है। हालांकि अप्रैल में ऑस्टिन और अमेरिकी सेना के अधिकारी जनरल सिक्यू ब्राउन ने फिर से रूस के नुकसान का ब्यौरा दिया, लेकिन इस बार उन्होंने एक बात भी जोड़ी कि रूस फिर से ताकतवर हुआ है और उसने आक्रामक रूप से अपने सैन्य बल को मजबूत किया है। रूस की यह प्रगति यूक्रेन और उसका समर्थन करने वालों के लिए चिंता की बात है, खास तौर से अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन की अब तक सैन्य हथियार से लेकर अन्य जरूरतों के लिए काफी फंड दिया है। हालांकि अमेरिका से मिली मदद से यूक्रेन एक साल और युद्ध को खींच सकता है। यदि इतने के बाद भी युद्ध में किसी की हार जीत नहीं होती तो फिर अमेरिका को अपनी योजना में बदलाव करना पड़ेगा। रूस यदि इसी तरह अपेक्षा से अधिक तेजी से अपनी सेना का पुनर्निर्माण करता रहा तो ये नेटो के लिए एक बड़ी और महंगी चुनौती होगी। इधर अमेरिकी सरकार की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति में चीन की बढ़ती चुनौती के बाद रूस को एक गंभीर खतरा बताया गया है। डिफेंस न्यूज ने नाम न छापने की शर्त पर एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि अधिकारी ने बताया कि जितना हमने सोचा था रूस उससे कहीं अधिक बेहतर तरीके से काम कर रहा है। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले तक रूस को कमतर आंकने वाले अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल क्रिस्टोफर कैवोली की रूस के बारे में अब अलग राय है। उन्होंने कहा कि रूस की क्षमता अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसे और ऊपर ले जा रहे हैं। रूस ने जिस तेजी से अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया और मजबूत किया है उसके पीछे जानकारों ने 3 मुख्य कारण बताए हैं। इनमें से पहला ये है कि युद्ध के दौरान रूस ने अपना रक्षा बजट लगभग 3 गुना कर दिया। दूसरा कारण रूस का फाइनेंशियल पेनल्टी से बचने की क्षमता है। जैसे अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने रूस की अर्थव्यवस्था को डुबाने के लिए उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन उन प्रतिबंधों का कुछ खास असर नहीं हुआ। और तीसरा पॉइंट है रूस का पुनर्गठन, यानी उसके सहयोगियों उत्तर कोरिया और ईरान आदि ने रूस को सीधे सैन्य सहायता प्रदान की।